हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत टू कलर का डिजाइन पैटर्न। ये बहुत ही इजीली बन जाता है फ्रेंड्स। वैसे ये पोरो की डिजाइन है, लेकिन ये केवल दो सिलाइयों में डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, या और दो के मल्टीपल आप फंदे लेंगे तो आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने दो के मल्टीपल फंदे लिए हैं, दो 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 दो, देखिए दो दो करके ऐसे हमने सारे फंदे लिए हैं। यहाँ पर हमने 20 फंदे लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट रो है और ये बेसिक रो है। तो पहले इसको हम बॉर्डर बनाने के बाद आप ये पहली सिलाई आप इस तरीके से सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये रो वन बेसिक रो है, इसको आप ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आपसे बहुत 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 रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको डिजाइन अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा कि हम किस तरीके से वीडियो आपको बताते हैं, बताने का तरीका ये सब आप देख करके इसके बाद ही आप स्किप कीजिएगा। तो देखिए, हमारा फर्स्ट रो हमारा जो है सीधा बुनते हुए बेसिक रो कंप्लीट हो गया है। बेसिक रो मतलब कि इसे आपको दोबारा नहीं बनाना होता है। अब यहाँ पर हम अपना ये सेकेंड कलर ऐड करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, हम अपना सेकेंड कलर ले लेते हैं और यहाँ पर एक नॉट लगा देते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक नॉट लगा दीजिए, और नॉट लगाने के बाद इस धागे को देखिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए। इसके बाद यहाँ डिजाइन पैटर्न का ये फर्स्ट रो है। तो देखिए, सॉरी, यहाँ पिंक कलर अपना हम ले लेंगे। तो इसको हम ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे ये। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें ये पहली सिलाई को इस तरीके से आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो वन है, राइट साइड सॉरी बैक साइड है, इसको उल्टा ऐसे बुनते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही प्यारी सी डिजाइन है फ्रेंड्स, इसमें समय भी कम लगता है और देखने में बहुत ही सुंदर है। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा ये सेकेंड रो है बैक साइड। अब यहाँ देखिए, इससे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी सिलाई को हमें ऐसे सीधा बुनते हुए दूसरी सिलाई को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हम पूरी सिलाई को सीधा बुनते हुए दूसरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए, दो सिलाई हमें सीधा और उल्टा बनाना है और दो सिलाई में ये डिजाइन पैटर्न बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी डिजाइन अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें आप हमारी डिजाइन आपको कैसी लगी। तो देखिए, हमारा ये सेकेंड रो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, थर्ड रो है, बैक साइड है। तो देखिए, यहाँ पर हम अपना वाइट कलर ले लेंगे, जो हमने बेस कलर लिया था ना, उसको ले लेंगे। पहले हम ये फर्स्ट फंदा बुन लीजिए या स्लिप कर लीजिए, ऑप्शनली है। तो यहाँ पर हम बुन लेते हैं, जब कलर चेंज करते हैं तो हम फंदे को फ्रेंड्स बुन लेते हैं, वैसे हम स्लिप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा फर्स्ट फंदा हमने बुन लिया है। अब धागे को हम पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ से डिजाइन पैटर्न स्टार्ट होगा, क्योंकि दो फंदे की डिजाइन है। देखिए, यहाँ से हम वन लूप इस तरीके से देखिए हमें ले लेना है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको ये जाली वाला फंदा बनाना है और दो फंदों का एक करना है, देखिए इस तरीके से। अब यही आप जो है फर्स्ट रो में रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पर, सॉरी सेकेंड रो में, थर्ड रो में, यहाँ से देखिए ये वन लूप लेंगे, एक जाली वाला फंदा बनाएंगे और दो फंदों का एक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर, यहाँ से वन लूप लेंगे, एक जाली वाला फंदा बनाएंगे और दो फंदों का एक करेंगे। फिर देखिए, यहाँ से हमें वन लूप लेना है और एक जाली वाला फंदा बनाना है और दो फंदों का एक करना है।
फिर देखिए यहाँ से हमें वन लूप लेना है, एक जाली वाला फंदा बनाना है और ये दो फंदों का हमें एक कर देना है। फिर देखिए यहाँ से हमें एक जाली वाला फंदा लूप लेना है, सॉरी फ्रेंड लूप लेना है, जाली वाला फंदा बनाना है और दो फंदों का एक कर देना है। फिर देखिए यहाँ से हमें एक लूप लेना है और एक जाली वाला फंदा बनाना है और यहाँ पर दो फंदों का एक कर देंगे। फिर यहाँ देखिए हम एक जाली वाला फंदा बनाएंगे, सॉरी एक लूप लेंगे, जाली वाला फंदा बनाएंगे और दो फंदों का एक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर बीच से हमें वन लूप लेना है और एक जाली वाला फंदा बनाना है और ये दो फंदों का एक कर देना है और वन साइड का एड स्टिच है, इसे उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये थर्ड रो कंप्लीट हो चुका है। अब ये फोर रो है बैक राइट साइड। तो देखिए फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, वन फंदा आपको सीधा बुनना है और यहाँ दो फंदों को आपको दो फंदों का एक कर देना है, यही आपको रिपीट करना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ वन फंदा बुन लेना है और फिर ये टू फंदों का वन कर देना है। फिर देखिए वन फंदा बुन लेंगे और ये टू फंदों का वन करेंगे। फिर देखिए यहाँ वन फंदा बुन लेना है और ये टू फंदों का वन करेंगे। देखिए वन फंदा बुन लेंगे और ये टू फंदों का वन करेंगे। वन फंदा बुन लेंगे और ये टू फंदों का वन करेंगे। वन फंदा बुन लेंगे और ये टू फंदों का वन करेंगे। इसी तरीके से आप जो है थर्ड रो को, सॉरी फोर रो को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको देखिए यही आपको फोर रो बुनाई करना है। देखिए वन फंदा बुन लेंगे तो इस तरीके से देखिए ये डिजाइन पैटर्न ऐसे बन करके आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारी डिजाइन अच्छी लगी हो और हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स पूरी डिजाइन इस तरीके से बनकर आएगी। ये राइट साइड है और ये बैक साइड है। आप इसमें चाहें तो बीच में गैप भी डाल सकते हैं चार चार सिलाई का। और अगर आपको ये डिज़ाइन फ्रेंड्स अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।